तो आज हम लोग पहुंचे हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पे शहर के एक ऐसे चिकित्सक के पास, आपको बता दें कि जो कि काफी शहर में इनका नाम है, मधुमेह रोग विशेषज्ञ है ये, और इनसे जानकारी लेने की हम लोग कोशिश करेंगे। बता दें कि अवार्ड विनिंग है और डॉक्टर एस हुसैन एक दूरदर्शी, दयालु और अनुभवी चिकित्सक हैं जिन्होंने केवल सिवान में स्वास्थ्य के सेवा में जबरदस्त तरीके से काम किया है पिछले कुछ सालों में, और इसी को लेकर आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं, और इनसे बातचीत करेंगे। खास करके डायबिटीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो डायबिटीज़, क्योंकि भारत में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ हम आपको बता दें कि डायबिटीज़ रिमिशन एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि पहली बार पूरे बिहार में कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो सिवान में हो रहा है और डॉक्टर एस हुसैन साहब कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर ये डायबिटीज रिमिशन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि मधुमेह रोग विशेषज्ञ आप हैं तो ये बताइए, क्योंकि इसके मरीज बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो थोड़ा सा इस पर हम लोग ये कर लेते हैं। बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है कि डायबिटीज कैसे होता है, शुरुआती लक्षण क्या है, ताकि लोग सावधान रहे, क्या कहेंगे उनको जी। नमस्कार आदाब, सबसे पहले अपने आपके चैनल के माध्यम से सीवान के जितने भी हमारे जो ऑडियंस हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा। देखिए आज जो है कि 14 नवंबर है और आज हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन इंसुलिन का आविष्कार हुआ जिसके इसमें हम लोग डायबिटीज़ दिवस मनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत को जो है कि डायबिटीज़ का राजधानी कहा जाता है, इसलिए कि हिंदुस्तान में करीब 6,30,00,000 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, और ये इतने तेज़ी से मतलब डायबिटीज़ बढ़ रहा है कि अगर यही रफ्तार रहा तो 2025 तक 10 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज होने की संभावना है। 10 करोड़ तक हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि भारत में हर 10 सेकंड में 3 डायबिटीज़ के नए मरीज हो रहे हैं। हर दस सेकंड। डॉक्टर साहब, आखिर क्या कारण होता है कि इतना तेज़ी से डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए सबसे पहले तो हमारा जो है जो डाइट है, हमारा जो खान पान है वो काफ़ी अनहेल्थी और अनहाइजीनिक हो गया है ना। हम लोग आउटसाइड का फूड खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उसके अलावा हम लोग मतलब हाइजीनिक खाना नहीं खाते हैं, खाने में ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो ये एक रीज़न है। दूसरा सबसे बड़ी रीज़न है कि हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी मतलब पुअर है, हम लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ज़्यादा है, तो ये दो काफ़ी मेजर फैक्टर है जो कि डायबिटीज़ इतना तेज़ी से हो रहा है। और आज आपको बता दें कि दुनिया का जो डायबिटीज़ मरीज, हर 5वां मरीज जो है वो भारतीय है, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है जी। तो लेकिन सर एक चीज़ बताइए, डायबिटीज़ मान लीजिए किसी को हो गया तो हम ये भी हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ ऐसा है कि कंटिन्यू मतलब उसको इंसुलिन वगैरह लेना पड़ेगा या फिर उसको मतलब गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है, कुछ ऐसा भी है क्या? जैसे मान लीजिए किसी को तुरंत डायबिटीज़ का पता चला और उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ है उपाय? देखिए अगर डायबिटीज़, देखिए डायबिटीज़ का पहला कंडीशन जो होने के पहले जो कंडीशन उसको प्री डायबिटिक स्टेज बोलते हैं, अगर उस कंडीशन को हम लोग लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें तो हम उसको उसी वक्त उसको रिवर्स कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल हो गया, आपको डाइट हो गया, डाइट प्लान को हम फॉलो करें तो हम डायबिटीज़ को उसी वक्त रोक सकते हैं। तो इसका शुरुआती कुछ लक्षण तो होंगे जिससे पता चलता होगा कि जैसे कंट्रोल किया सकता है? बिल्कुल, डायबिटीज़ का जो इनिशियल जो सिम्टम है उसमें बार बार पेशाब होना, थकान महसूस होना, वजन का कम हो जाना है ना, उसके अलावा आंखों से मतलब ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाना, धुंधलापन दिखाई देना, ये सब जो है डायबिटीज़ का शुरुआती लक्षण। अगर ऐसा किसी में होता है ये लक्षण और किसी में दिखता तो उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए सबसे पहले अगर इस तरह का लक्षण है तो उनको कुछ रूटीन टेस्ट है उसको कराना है, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया और खाना खाने के बाद का शुगर हो गया, यूरिन रूटीन हो गया, उसके अलावा हम HbA1c भी टेस्ट करके देखेंगे कि 5-3 मंथ में इनका शुगर का जो कैसा कंट्रोल रहा है कि नहीं रहा है, ये भी हम देखेंगे। अच्छा अंत में थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं हम लोग, ये जो डायबिटीज़ रिमिशन आपके पास जो आया है ये कैसे काम करता है, क्योंकि पहली बार AI का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, कैसे काम करता है ये? जी, ये जो है डायबिटिक रिमिशन जो है ये ऑलरेडी हमारे बहुत सारे मतलब विदेश में भी शुरू हो चुका है, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिजिटल
होल बॉडी डिजिटल ट्यून के ये क्रांतिकारी उपचार है। इसमें क्या है कि डायबिटिक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक को डैमेज होने की वजह से होती है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डैमेज मेटाबॉलिज्म को हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसको एड्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक टोकरी में कुछ फ्रूट्स रखे हैं, उसमें दो चार फ्रूट्स जो है वो सड़ा हुआ है, अब उसका जो है बैड स्मेल आपको रूम में आएगा, तो उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? इसके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम एयर फ्रेशनर यूज करेंगे या फिर उसको निकाल कर देंगे। तो एयर फ्रेशनर यूज करेंगे, उसके साथ समस्या ये है कि एयर फ्रेशनर को बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, और यही काम हम लोग डायबिटीज का इलाज जो है दवा से करते हैं। अच्छा, है ना। और दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि हम पता लगाएंगे उस टोकरी में जो कौन सा फल सड़ा हुआ है उसको, है ना, उसको पता लगाने के बाद उसको निकाल के फेंक देंगे, और फेंकने के बाद से वो हमारा रिफ्रेशर का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये काम हमारा डिजिटल ट्यून हेल्थ कर रहा है। अच्छा, तो डिजिटल होल बॉडी डिजिटल ट्यून जो है आपके बॉडी को मेटाबॉलिक जो एबनॉर्मलिटीज है उसको पता लगाएगा और उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। ये चीज इसके हमारे जो तो बिहार में पहली बार सिवान में शुरुआत की गई है, और खासकर आप इसका इलाज करेंगे इस तरह से, इस प्रक्रिया से आप इलाज करेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे सिवान के लोगों को? सिवान लोगों बोलेंगे कि ये हमारा एक रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है, और ये जो सिवान क्या बिहार में पहला बार ऐसा मतलब होल बॉडी डिजिटल ट्यून जो शुरू हो रहा है, और इस तरह का जो ट्रीटमेंट है ये काफ़ी पर्सनलाइज है और काफ़ी प्रिसाइज ट्रीटमेंट है, और ये पहले हमारे यूएस में भी शुरू हुआ है और हमारे हिंदुस्तान के अलग सिटी में भी है, और सिवान में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसमें आपके होल बॉडी डिजिटल ट्यून बनाया जाएगा, और उसके बाद उसमें जो भी एबनॉर्मलिटीज है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। उसमें कुछ सेंसर्स यूज हुए हैं, कुछ सेंसर यूज करके हम उसको जो भी है एबनॉर्मलिटीज को देखेंगे, और देख के उसके हम पांच कंपोनेंट में ट्रीट करते हैं। प्रिसाइज मेडिसिन होगा, प्रिसाइज एक्सरसाइज होगा, प्रिसाइज न्यूट्रिशन होगा, और प्रिसाइज ब्रीदिंग होगा, और प्रिसाइज स्लीप पैटर्न होगा। इस सारे कंपोनेंट के एक साथ हम लोग यूज करेंगे, और यूज करके इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। पहला ट्रीटमेंट इसका 3 महीने का है। 3 महीना ट्रीटमेंट होने से आपको 87% लोगों में डायबिटीज़ जो है कम्प्लीटली रिवर्स हो चुका है। 90% लोगों में डायबिटीज़ का जो दवा है वो खा रहे हैं वो दवा छोड़ देना पड़ता है। अच्छा। और 100% लोगों इंसुलिन जो ले रहे हैं इंसुलिन फ्री हो जाएंगे। हाँ। इसका ये आउटकम है। जी चले, तो बेहतरीन बात डॉक्टर साहब ने बताई है। और आप भी, आपको बता दें कि मधुमेह रोग से परेशान है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। समाधान हॉस्पिटल है, और ये आपको पकड़ी मोड़ पे आना पड़ेगा। पकड़ी मोड़ पे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में बैंक ऑफ इंडिया है, और बैंक ऑफ इंडिया अगर आप सदर अस्पताल की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में बैंक ऑफ इंडिया है, और बैंक ऑफ इंडिया के ठीक सामने समाधान हॉस्पिटल दिख जाएगा, जहाँ पे डॉक्टर एस हुसैन साहब हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दें कि इलाज कर रहे हैं, और मधुमेह रोग के जो भी रोगी हैं उन्होंने काफ़ी आराम पाया अपने बीमारी में। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ आने की ज़रूरत है अगर आप भी इस रोग से परेशान हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।